दिल्ली के राजौरी गार्डन में मंगलवार देर शाम बर्गर किंग रेस्टोरेंट में 3 अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर कम से कम 10 से 15 राउंड फायर किए गए। इस हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और उसके भाई नवीन बाली ने ली है। हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आज राजौरी गार्डन दिल्ली में जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं हिमांशु भाऊ और मेरा भाई नवीन बाली लेते हैं। हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर में इसका हाथ था और उसी का बदला आज हुआ है और जो भी बाकी है सबका नंबर आने वाला है। राम राम सारे भाइया ने। नीरज बवाना गैंग, काला खरमपुर गैंग, नीरज फरीदपुर गैंग, कालिया भाव गैंग सिंस 2020-14 के बदले 40 घाल दी है, गिनती कर लियो। गैंगस्टर हिमांशु भाव हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला है। साल 2023 में इंटरपोल के हिमांशु भाव के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। हिमांशु भाव पर कई केस दर्ज हैं, साथ ही 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसके अलावा कथित तौर पर जाली पासपोर्ट के जरिए साल 2022 में भारत से भागने का आरोप है। उसकी आखिरी लोकेशन पुर्तगाल की मिली है। हिमांशु भाव और इसके गिरोह पर हत्या, धोखाधड़ी, लूट, फिरौती के 18 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिमांशु भाव पर 10 केस रोहतक जिले में दर्ज हैं, 7 केस झज्जर जिले में दर्ज हैं, तो वहीं 1 केस उत्तरी जिले में दर्ज है। हरियाणा पुलिस ने हिमांशु भाव लगभग 1.5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से उस पर 1 लाख का इनाम घोषित है। हिमांशु भाव की उम्र अभी सिर्फ 22 साल है। वहीं इस हत्या के मामले में पुलिस को एक महिला की तलाश है। मृतक के साथ वारदात के समय एक जानकार भी थी। अब पुलिस उसका भी पता लगाने की कोशिश कर रही है जो वारदात के बाद से गायब है। पुलिस को अंदेशा है कि जो महिला मित्र मृतक के साथ थी वो भागते वक्त अपने साथ मृतक का मोबाइल और पर्स ले गई। अब पुलिस उस महिला की तलाश में है कि आखिर उसने क्यों ऐसा किया और सवाल ये भी है कि वो अब तक पुलिस सामने क्यों नहीं आई। यही वजह है कि पुलिस उस संदिग्ध महिला की तलाश में है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि शूटर्स को आखिर अपने टारगेट की जानकारी कैसे मिली, क्या उन्हें टिप दी गई थी और महिला का पूरे मामले में कोई रोल तो नहीं है। राजौरी गार्डन इलाके में मंगलवार रात करीब 9:30 बजे के आसपास अज्ञात हमलावरों ने बर्गर किंग के आउटलेट में घुसकर एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।